it is on camera. Sweets. Sweets. Money. क्या बना रहे हो मैगी सब कौन से टाइप की मैगी है मैगी इधर सेपरेट बना दिए तुमने आपको टमाटर शिमला मिर्च प्याज तड़का दिया है प्याज डाल आपके क्या तड़का देके प्याज डाला है तड़का देके प्याज डाला है माशाल्लाह तुम इतना फेक कैसे हो सकते हैं कैमरे के ऊपर तड़का देके प्याज डाला है मेरा क्या मैं सुबह उठ के नहा के नमाज पढ़ के नमाज पढ़ के वापस सो गया सोया नहीं था लेट रहा बोलो बोलो दाढ़ी करने मिल नहीं रही है घर में दाढ़ी बनाते आती नहीं मुझे आती है ना गाइस कमेंट करो अगर आप चाहते हो कि मैं दाढ़ी बनाऊं अच्छी नहीं मैं नहीं चाहता गाइस के चाहने से नहीं चाहने से क्या मैं नहीं चाहता आई डोंट वांट बहुत बुरी हाल हो गया क्यों दिमाग क्या हाल है दाढ़ी घर है गाड़ी है खाना पीना है बच्चा है बीवी है माँ बाप है ज्ञान बकचोदी बोलते इसको क्या चाहिए तुमको बहुत बुरे हाल में तो उनके पास खाना नहीं है दाढ़ी की बात कर रहा हूँ दाढ़ी के बाद से ये बंदी खाने के ऊपर गई लोगों के नाश्ते के ऊपर गई खाने के ऊपर गई गाड़ी के ऊपर गई स्टेज 3 चालू है टशन में तुम्हारे व्यूअर्स को टशन दो ना नहीं अब सीरियसली स्टेज 3 स्टार्ट हो गया प्लीज़ इधर के बाहर मत निकलो अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन चालू हो गया है टी एस बेस पे तो बहुत सारे मैसेजेस कुछ फेक कुछ अच्छे लेकिन आ रहे कि कस्तूरबा में काफ़ी भीड़ है जो बहुत सारी एजेंसीज अपने को पता नहीं रही है पता नहीं अभी वो सच है झूठ है हम तो घर में ही बैठे हैं बट फिर भी ट्रस्ट देम गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करो घर से बाहर मत निकलो घर से बाहर मत निकलो अगर बीवी बच्चे माँ बाप प्यारे हैं भाई बहन जो भी घर से बाहर मत निकलो तुमको कुछ बोलना है सोच मैंने बोल कर दी क्या बोले तुमने ज़्यादातर मुंबई के लोग निकल रहे हैं बाहर इंस्पेक्टर पुलिस डॉक्टर उनके लिए एटलीस्ट मत निकलो वो लोग इतने तो खुद यार अपन आराम से बैठे उन लोग बाहर जाके मतलब खुद की लाइफ रिस्क करके अपने फैमिली के लाइफ अगर उनको हो गए तो चांसेस है ना कि फैमिली को भी हो सकता है वो घर पे जाते हैं वो है ड्यूटी के बाद तो इतना रिस्क ले रहे हैं अपने लिए आज का दिन कितना डल लग रहा ना मैं बना रही हूँ नहीं यार तो सो सो के मेरी पीठ दर्द कर रही है ठीक है बनने के बाद देखते हैं कौन सा तो बात क्या कर रहा क्या बोले दादू हाथ से गिरता नहीं वो लात से उड़ाता है क्या करने दादू के साथ खेलने दो
देखिए ये खिलौना किसका है। रात के सब खिलौने उधर रह गए दूसरे वाले फ्लैट पर। So it's finally ready. दिख रही तो यम ये मेरा है ना। कभी भी अंडा किसी के साथ अंडा कभी भी खा सकते। जितने अंडे दे सकते उतना मैं खा सकता हूँ। खो नहीं देने वाले अंडे। Thank you.
ओके सो मैंने आज का मास्किंग कर लिया है, आज शायद कौन सा नहीं याद नहीं मुझे, मैंने कर लिया है और एक दो दिन ट्राई करूँगी, देन आई विल गिव अ फाइनल रिव्यू. या सो देखते हैं अभी किचन में क्या हो रहा है, बिकॉज मैं अभी बर्तन बर्तन साफ करके आ गई हूँ. आज माई मदर इन लॉ इज डूइंग एंड दिस मैन इज बिजी, इट इज ऑन कैमरा. Okay. Sleeping. Indian Jolly, the best. Yes. क्या बना रहे अम्मी? भावना की डोसा. स्माइल तो कर दो. क्यों भाग रहे क्या मेरे से? तो मैं खुश हूँ बिकॉज मेरी चपाती की ड्यूटी आज नहीं है. बोल थोड़ा एक्सप्लेन करो ना कैसे बनता है. और से पहले वाला थोड़ा सा टूट गया. अभी दिखाता ना आप लोगों को कि सो गए, देखो उठ गया ये. और मम्मा तो तैसे देख लाए, बताओ मम्मा था है मम्मा. अहद कैमरा चाहिए इसको बस. अहद अच्छी मम्मा की अच्छी हो गई है, भूत हो गई है मम्मा. मम्मा तो भूत हो गई है. अब भी सोए थे ना तुम? अच्छा तुम बताओ, इधर देखो, बताओ तुम तो कैसा लगा बनाना खाके? हाउ वाज योर बनाना एक्सपीरियंस विद बनाना प्योरी? ओह इट वाज बैड रियली. तुमने तो पूरा फिनिश कर दिए, पूरा फिनिश कर दिए तुमने तो बनाना प्योरी, तो पूरा फिनिश कर दिए. टेस्टी था ना, यम यम था ना, यम यम था ना मामा. हो किटी. ओके दीजो. एहे बिशु okay see you. बात एंड अहद को भी मैंने मसाज करके नहला के सुला दिए हैं. नाउ एक प्रॉब्लम हो गई है. सी दिस मैन इज नॉट टॉकिंग टू मी. कैन यू सी ऐसे करते हैं हस्बैंड लोग क्वारंटाइन में. चलो दादू को एक पजल सिखाते हैं. ये दादू जो है ना इनको दिखाई दी मम्मा ने. एक नंबर का चीटर. उसको आया नहीं तो सर्च करके देखा. चीटर बोलो, चीटर चीटर. क्या अभी दादू को दिखा दे हम वो पजल. देखो
अरे ये क्या शेप? ए देखो ये है ना, ये शेप है ग्लास का। हाँ, उसके अंदर ये है। तुमको ये बाहर निकालने का है बिना हाथ लगाए। बिना? हाँ, इसको बिना हाथ लगाए ये कप के बाहर निकालने का है। और कप का शेप भी सेम रहना चाहिए, वो कप के बाहर भी चाहिए और कप का शेप भी सेम ही रहना चाहिए। और सिर्फ दो क्यू टिप्स हिला सकते तुम, मतलब दो चांस है तुमको। समझा? समझा? अभी करो। तुम तो जम जा। रुको, मैं आ रहा है। ट्राई ट्राई ट्राई। ओके गाइस, अगर आपको आ रहा होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पॉज करो वीडियो को और कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर नहीं आ रहा है तो लास्ट तक वेट करो। ओके गाइस, तो कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा बनाने जा रही हूँ, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन मैंने कल भूल गई शेयर करना और मैंने बना के पी लिया, उसके बाद में याद आया, सबको दे भी दिया, उसके बाद में याद आया कि आपको भी बोला था। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरा हम लोग रोज़ बना के पी रहे, तो आई विल शो यू कि व्हाट इज़ इनसाइड। सो आपको सिर्फ पानी लेना है, उसमें मैंने अदरक ग्रेट करके डाला है, आपकी मर्जी है कितना डाल रहे हो। मैंने तीन लोगों के लिए इतना डाला है, बिकॉज मेरी सासु मामा आज नहीं ले रही है, उनको एसिडिटी हुई है। सो उसके बाद आपको डालनी है थोड़ी सी काली मिरी, 1 2 3 4, और लवंग 2 3 डालूंगी मैं, और गैस ऑन कर लेना है। और डालनी है हल्दी थोड़ी सी, मैं वापस रख देती हूँ। और डालना है गुड़, इसलिए कि थोड़ी सी अच्छी टेस्ट होनी चाहिए। ओके गाइस, तो ये बन गया है आपने देखा, और प्लीज़ बनाना, इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी ज़रूरत है। अगर कोई और रेसिपी हो जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है और एसिडिटी भी नहीं होती, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, बिकॉज इसमें गरम मसाला पड़ता है तो ऑब्वियसली एसिडिटी होगी। तो अगर आपके पास कोई और भी तरीका है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और मैं आज का ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, प्लीज़ स्टे इनसाइड योर होम, डोंट गो आउट, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ प्लीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखो। अभी मैं देती हूँ और आई विल स्लीप, एडिट एंड स्लीप। ओके, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर आप कनेक्टेड फील कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर फिर भी मेरी कोई मतलब कनेक्टेड फील नहीं हो रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। ओके, बाय।